हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाइड्रोपोनिक ओकरा यानी कि हाइड्रोपोनिक भिंडी का प्लांट जिसे मैं अपनी टेरेस पे ग्रो कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये एक भिंडी का प्लांट है जिसमें कि अब फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूट्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, दो फ्लावर्स आप देख सकते हैं। और जिस टेक्निक से मैं ये ग्रो कर रहा हूँ उसे कहते हैं DWC यानी कि डीप वाटर कल्चर। इसमें जो प्लांट की रूट्स हैं वो पानी में सबमर्ज रहती है, पानी में ही रहती है और किसी तरह से इसको सॉइल या मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। आइए मैं आपको इसकी रूट्स दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पानी है और प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए इस पानी में न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन मिले इसके लिए इसमें दो ए स्टोन है जो कि एक एयर पंप से कनेक्टेड है। इससे प्लांट की रूट्स ड्राउन नहीं करती, डूबती नहीं है और इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस प्लांट को मैंने एक नेट पॉट में डाला है जिसमें मैंने यूज़ की है क्ले बॉल्स, इनको हाइड्रोटन्स भी कहते हैं, जो इस प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो ये प्लांट ग्रो कर रहा है इसके लीव्स आप देखिए कितने बड़े हैं, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिशन लेने के लिए रूट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो सारा एनर्जी अपनी ग्रो करने में लगाता है। तो इसके एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं इसकी स्टेम कितनी स्टर्डी और थिक है, लीव्स आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं, इस पे फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैं अभी कुछ फ्रूट्स हार्वेस्ट कर चुका हूँ और देखिए काफ़ी सारे बर्ड्स भी आप देख सकते हैं जो कि जल्दी फ्लावर करेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में, नॉर्थन इंडिया में इस टाइम काफ़ी गर्मी है, जुलाई का सीज़न है, तो जो ये बकेट मैंने यूज़ की है ये एक नॉर्मल पेंट बकेट है और इसको मैंने इस फोम शीट से इंसुलेट किया है ताकि कोई भी वेदर चेंज वाटर टेम्परेचर को जल्दी अफेक्ट ना करे। इसके अंदर जो मैंने न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए हैं वो ऑनलाइन ही मैंने लिए हैं, तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन न्यूट्रिएंट्स लेके इस टेक्निक से कोई भी प्लांट अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको अपडेट करूंगा इस प्लांट की फ्रूटिंग को लेके और कुछ प्लांट्स मैं जल्दी ही ग्रो करने वाला हूँ अपने टेरेस पे। तब तक के लिए गुड बाय।